हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लटर डिटॉक्स। फॉर मंथ्स जब मैं लिविंग रूम में डेकोर सेम देखती हूँ तो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है और मुझे हमेशा कुछ चेंजेस पसंद है अपने घर में। इसके पहले मैंने अपना लिविंग रूम बोहेमियन थीम के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया था, उसके वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। सिंस कुछ महीनों से फेस्टिवल्स चल रहे हैं, इसीलिए आज का मेरा थीम होगा एथनिक डेकोर। सो लेट्स स्टार्ट बाय चेंजिंग द कुशन कवर्स। आई हैव परचेस्ड दीज ब्यूटिफुली डिजाइन कुशन कवर्स फ्रॉम एजियो। दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एंड द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिलो। इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किए थे। वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन के टॉप पे आई बटन जो दिख रहा है उसमें मिल जाएगा। Adding a few more colorful cushion covers to the mix. When planning ethnic decor, do not shy away from bright colors. What I love about this cushion cover is its ombre design. The design of this next cushion cover is again unique. It is primarily blue with a tinge of gold. You should definitely check out these cushion covers guys, क्योंकि Amazon में सबसे cheap cushion covers मुझे लगे। For this price point मुझे 5 cushion covers मिल गए। ये 5 different colors में आते हैं जिसे मैं rotation में use करती रहती हूँ अपने living room में। बोहेमियन थीम के अकॉर्डिंग मैंने डाइनिंग टेबल को इस तरीके से डेकोरेट किया था, बट फिलहाल ये थोड़ा सा ब्लैंड लगने लगा है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द एंटायर टेबल कवर एज इट विल बी एक्सपेंसिव। इंस्टेड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर एड ऑन करने के लिए एक टेबल रनर चूज किया है। एज मेरे लिविंग रूम का थीम फिलहाल एथनिक है, विच मीन्स एडिशन ऑफ लॉट ऑफ ब्राइट कलर्स, हेंस मैंने एक रेड रनर चूज किया है। Now let us dress up the dining table with needful accessories and decor pieces. My dining area is ready guys, and it is looking so beautiful yet elegant. Talking about runners, मैंने एक और runner buy किया है Ajio से। इसका design absolutely ethnic है and इसके end में एक elephant का motif है जो बहुत ही beautiful लग रहा है। इस रनर को मैंने इस कंसोल कैबिनेट के ऊपर प्लेस किया है। किसी भी रूम के डेकोर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर्टेंस चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्ट फर्निशिंग में वेरियस प्रिंट्स यूज़ किए हैं, इसलिए कर्टेन को मैंने थोड़ा सिंपल रखा है। You will not believe, 7 feet के ये 4 curtains मुझे सिर्फ 800 रुपये में पड़े हैं। इसे मैंने Amazon से buy किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Mind it, this is not a light blocking curtain. It's quite see-through actually, which is something that I like about this curtain. Because it is winter here, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि sunlight room में ज़्यादा से ज़्यादा आए। Moreover, living room में light blocking curtains की ज़रूरत नहीं है। The curtain is very cheap, but I guarantee you the quality is really good. इस curtain के blue color को break करने के लिए मैंने white color का sheer curtain use किया है। ये white curtain मैंने bohemian theme के लिए purchase किया था और उसी curtain को मैंने इस theme के साथ भी reuse कर लिया है। And it is actually looking good. Just to make this curtain shine a little bit more, मैंने ये accessory इसमें add किया है। ये गणपति डेकोरेशन के टाइम पे मैंने परचेस किया था और इसी को मैंने रीयूज कर लिया है। इट एक्चुअली लुक्स लाइक पार्ट ऑफ द कर्टेन एंड एनहांसेस इट्स एस्थेटिक अपील। व्हेन वी आर डेकोरेटिंग द लिविंग रूम, हाउ कैन वी फॉरगेट द कारपेट।
अगेन मैंने एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये कारपेट परचेज किया है फ्रॉम अमेजोन, ये होम सेंटर से है। ये बहुत ही ब्राइट दिखने में है और इसका डिज़ाइन काफ़ी एथनिक लुक देता है रूम को। इस कारपेट में एक हल्का सा गोल्डन थ्रेड वर्क है जो इसके लुक को और एनहांस करता है। ये बेसिकली एक रग है जो इजीली वॉशिंग मशीन में वॉश हो सकता है। इसे फोल्ड करके आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करेगा। इसे मैं फ्लोर पे बिछा के आपको एक बार इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। लास्टली इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने सोफा के लिए एक थ्रो परचेज किया है आइकिया से। ये मैंने न्यूट्रल टोन में चूज किया है बिकॉज ऑलरेडी लिविंग एरिया में काफी डिफरेंट कलर्स यूज कर चुकी हूँ मैं पहले ही। ये आइकिया का वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल सोफा थ्रो है। इसे मैंने लाइट पिंक शेड में लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना है। इट्स ए लिटिल बिट डेलिकेट, इसलिए आपको इसे केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। एडिंग ए थ्रो टू द काउच इज अ ग्रेट एडिशन ड्यूरिंग द विंटर। नाउ इट इज द टाइम टू ड्रेस अप द रूम विथ योर फेवरेट एक्सेसरीज। वन ऑफ माई फेवरेट डेकोर पीस जो एथनिक लुक को कॉम्प्लीमेंट करता है वो है ये सिंपल सा लैम्प। ये दिखने में बिल्कुल एक एंटीक पीस लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज ए कैंडल होल्डर। आप इसके अंदर एक छोटा सा टी लाइट प्लेस कर सकते हैं और ये ब्यूटीफुली रूम को लिट अप कर देता है। नॉट जस्ट दैट, यू कैन ऑल्सो यूज एन इंसेंस स्टिक इनसाइड जिससे ये ब्यूटीफुल इफेक्ट क्रिएट होता है। This is not just good to look at, but एक relaxing and calming environment आपके घर में create करता है। Adding a few more accessories to complete the ethnic decor. किसी भी लिविंग रूम में अपार्ट फ्रॉम फर्नीचर, एक्सेसरीज एंड सॉफ्ट फर्निशिंग, लाइट फिक्सचर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूम में एम्बियंस क्रिएट करने के लिए मैंने शैंडलियर और लैम्पशेड का इस्तेमाल किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट टी लाइट्स एंड एलईडी लाइट्स भी मैंने इंस्टॉल करवाए हैं। इन सी थ्रू कर्टेंस की वजह से लाइट ब्यूटीफुली रूम के अंदर रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। Proper lighting can give your room a dreamy effect. Hope आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमने रूम को पूरी तरीके से डेकोरेट कर लिया है। So let's look at the final reveal.